वक्त बदल दो, ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो। 1974-75 के क्रांति की ये आवाज 1997 में आकर के बदल जाती है। तख्त वही है, ताज वही है, वंशवाद का राज सही है। नमस्कार, स्वत मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पार्टनर की पॉलिटिक्स के इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं वंशवाद की। वंशवाद का उदय कैसे हुआ और वंशवाद के कारण लोकतंत्र को किस प्रकार की क्षति पहुंची, इसमें हम कथा की शुरुआत करते हैं आपातकाल से। आपातकाल के बाद जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, तब उस समय के लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, अश्विनी कुमार चौबे, नरेंद्र सिंह जैसे सैकड़ों युवा नेता उछल उछल कर नारा लगाते थे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो। 1977 से लेकर 1989 तक यह नारा गैर कांग्रेसी दलों के नेताओं की जुबान पर बसता था, लेकिन 1989 के बाद धीरे धीरे यह नारा लुप्त होता चला गया और अब 74 आंदोलन के कुछ नेताओं के राग और गीत दोनों बदल गए हैं। उनकी जुबान पर अब जो नारा है वह है तख्त वही है, ताज वही है, वंशवाद का राज सही है। वही के जगह पर सही हो गया। आसन लोग, ये अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर वंशवाद यानी परिवारवाद है। 1970 में लगने वाले नारे की पैरोडी से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। रामलीला में राम का पात्र निभाने वाला बाल कलाकार युवावस्था में रावण की भूमिका में कैसे आ जाता है, इसमें दिखाई पड़ता है। कांग्रेस की वंशवादी राजनीति का विरोध करने वाले अब वंशवाद के मामले में कांग्रेस के निकृष्ट संस्करण बनकर रह गए हैं। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता जवाहरलाल नेहरू ने तो धीरे धीरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस का कमान सौंपा था। उस समय नेहरू जी के उस ढकी हुई बेईमानी की भी आलोचना हुई थी। उनकी पुत्री इंदिरा गांधी उनसे कई कदम आगे बढ़ते हुए लाज लिहाज को दरकिनार कर दिया और अपने छोटे पुत्र संजय गांधी के हाथों में पार्टी और सरकार का कमान सौंप दिया था। उस समय के कुछ नेताओं ने उनके इस क्रियाकलाप, इनके निर्णय का विरोध भी किया था। संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को कांग्रेस में लाया और उन्हें संगठन और सत्ता का केंद्र बना दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वंशवादी कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के दरबारियों ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया था। उस समय प्रणब मुखर्जी की चर्चा हुई थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी इसके बाद हाशिए पर चले गए थे। अब कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति पौधा से विशाल वट वृक्ष बन गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भावना की लहर पर सवार कांग्रेस को 404 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। यह भारत के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व है। 1984 के बाद 2024 में यानी 40 वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का लक्ष्य निश्चित किया है, लेकिन यह वंशवाद के तहत नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ के बदल। नरेंद्र मोदी के 404 के सपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के मतदाता साकार करते हैं या नहीं, यह 4 जून को पता चलेगा। लेकिन राजीव गांधी के उस अभूतपूर्व विजय ने कांग्रेस में वंशवाद या परिवारवाद की परंपरा को और दृढ़ बना दिया था। अपार जन समर्थन के कारण कांग्रेस गांधी परिवार की कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी हो गई थी।
जिसके कारण भारत का सरकारी तंत्र पूरी तरह से राजीव गांधी के परिवार और उस परिवार के दरबारियों के चंगुल में चला गया। इसके बाद भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो शुरू हुआ उसका अंतहीन सिलसिला आगे भी जारी रहा। राजीव गांधी सरकार के मंत्री वीपी सिंह भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आगे बढ़े और प्रतिपक्ष के कई पार्टियां उनके साथ आ गई और राजीव गांधी की सरकार चली गई। गांधी परिवार और कांग्रेस के पतन के बाद समाजवादियों का राज पटाया। बिहार में लालू यादव तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। 1989 तक जो परिवारवाद को पानी पी पी कर कोसते थे वे कुछ ही वर्षों में परिवारवाद के निकृष्ट संस्करण निकृष्टतम उदाहरण बन गए। लालू यादव के बेटे बेटियां जिस समय वे मुख्यमंत्री बने थे कम उम्र की थी तो उन्होंने अपने सालों को अघोषित बिहार सरकार ही बना डाला। लालू यादव के प्रथम शासन काल को लोग साधु सुभाष चलती काल भी कहते हैं। शिक्षा संस्कृति जैसे कोटे से अपने सालों को विधान परिषद का सदस्य बना दिया। इसके बाद सारे नियमों को ताक पर रखते हुए कैबिनेट मंत्री के लिए निर्धारित कोठी में अपने सालों के आवास की व्यवस्था करा दी थी। भव्य सरकारी आवास में लालू यादव के सालों के दरबार सजते थे जहां आईएएस आईपीएस अधिकारी से लेकर नेता तक माथा टेकते थे। जब बेटे बेटियां बड़ी हो गईं, तब उनके हाथों में पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी थमा दी। वहीं बगल के प्रदेश यूपी में तो मुलायम सिंह यादव ने कमाल ही कर दिया। उनके पारिवारिक कुनबे के 50-60 लोग नीचे से लेकर ऊपर तक माननीय बना दिए गए। कोई विधायक बना, कोई जिला परिषद में चला गया। युवराज मतलब अखिलेश यादव उनके पुत्र ने मुलायम सिंह के बाद सीएम की गद्दी संभाली। इसके बाद उनके परिवार में ही बहुत सारे विद्रोह हो गए। समाजवादी कुनबे के रामविलास पासवान, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, बाहुबली आनंद मोहन, बाहुबली पप्पू यादव जैसे दर्जनों नाम हैं जो आज कांग्रेस के विकृत संस्करण बन गए हैं। कांग्रेस के समय गला फाड़ कर तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो के नारे लगाते थे, लेकिन जब अवसर मिला तब उन नारों को तिलांजलि देकर अपने लिए नया नारा गढ़ लिया। जेपी आंदोलन के सहारे नेतागिरी में उतरने वाले कथित समाजवादी कुनबे के लोग जो भजन गाने लगे हैं उसका बोल है, तख्त वही है, ताज वही है, वंशवाद का राज सही है। ऐसे लोगों के कारण लोकतंत्र ढकोसला जैसा बन गया। लोकसभा चुनाव के अवसर पर ऐसी बातें लोगों के सामने आनी चाहिए। इसी प्रयास के तहत आज का यह एपिसोड हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप अपना राय हमें दें ताकि हम अपने इस एपिसोड में जो चर्चा के बिंदु हैं, जो कथा के पात्र हैं, उनको आगे बढ़ा सकें ताकि लोकतंत्र को व्यवस्थित लोकतंत्र की मजबूती की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। नमस्कार।